और चलिए आपको एक और बड़ी खबर बता देते हैं। होली के बाद हो सकता है नई सरकार का शपथ ग्रहण, ये खबर सामने आ रही है निकलकर। भाजपा आला कमान की होली के बाद शपथ ग्रहण की तैयारी है। दरअसल दिल्ली के मंथन में हो सकते हैं कई चौंकाने वाले फैसले। आज जो बैठक होने वाली है उसको लेकर बड़े फैसले आज हो सकते हैं। 19 मार्च को दरअसल यूपी में म्युनिसिपल चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख है, इसलिए उससे पहले जो आज मंथन होने वाला है उसमें नाम फाइनल हो सकते हैं, इस तरीके की अटकलें हैं राजू। बिल्कुल, दरअसल नई सरकार के गठन को लेकर आज से दिल्ली में यूपी के संगठन के साथ बैठकों का दौर शुरू होने जा रहा है और इसमें शपथ ग्रहण की आखिरी तारीख से लेकर मंत्रिमंडल की रूपरेखा पर फाइनल मुहर लगनी है। कहा यह भी जा रहा है कि भाजपा आलाकमान उत्तर प्रदेश में एमएलसी चुनाव के नामांकन की आखिरी तारीख 19 मार्च से पहले शपथ ग्रहण कराने पर विचार कर रहे हैं और 17 से 18 मार्च को होली है। हालांकि अभी तक किसी भी बात पर सहमति नहीं बनी है। भाजपा ने 22 की जंग में भले ही 250 से ज्यादा सीटें अकेले दम पर निकाल ली, लेकिन सहयोगियों को साथ लेकर चलना जरूरी भी है और मजबूरी भी, क्योंकि 22 के आगे 24 की परीक्षा है। भाजपा के साथ इस बार अनुप्रिया पटेल तो थी ही, लेकिन ओपी राजभर की जगह संजय निषाद ने ले ली थी। अब जब सरकार बनने वाली है तो संजय निषाद को जितनी खुशी है उतनी ही ज्यादा उम्मीद भी। बड़े भाई हम छोटे भाई, गले लगाया है, लायक समझा है तो जिताया है, तो लायक जिस लायक समझेंगे वो जिम्मेदारी देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपकी अपनी क्या उम्मीदें हैं, कितने पद की उम्मीद करते हैं मंत्रिमंडल? पद प्रतिष्ठा नहीं, हम लोग पॉलिटिकल बार्गेनर नहीं, हम लोग शर्तों नहीं सिद्धांतों पर राजनीति करते। मेरा सिद्धांत है, मेरी पार्टी का नाम ही है निर्बल इंडियन सोर्सेज, हमारा निर्बलों को सबल बनाया जाए। अब मोदी जी वो काम बखूबी कर। पूर्वांचल के इलाकों में भाजपा को ओबीसी वोटर्स ने दिल खोल कर वोट दिया, यही वजह रही कि गोरखपुर से बनारस तक भाजपा ने क्लीन स्वीप कर लिया। इसमें अनुप्रिया पटेल की भूमिका अहम मानी जा रही है। अनुप्रिया 2024 की बात करते हुए इशारों में बहुत कुछ कह रही हैं। अगले दो साल में एनडीए गठबंधन को लोकसभा चुनाव में जाने से पहले वोटर की अपेक्षाओं की पूर्ति और भी जोरदार तरीके से करनी है, बहुत काम करना है। एबीपी गंगा के पास जो जानकारी है उसके मुताबिक सहयोगियों के लिए भाजपा दिल बड़ा करने वाली है। जो मजबूत सहयोगी हैं उनके हिस्से में एक कैबिनेट और दो राज्य मंत्री का पद जा सकता है, और जो दूसरी सहयोगी पार्टी है उसे एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री का पद दिया जा सकता है। सहयोगियों को साथ लेकर चलना भाजपा के लिए इस वजह से भी जरूरी है क्योंकि 2017 में भाजपा पूर्वांचल की कुछ ऐसी सीट हार गई थी जो 2014 में जीती थी, और जो सहयोगी अभी भाजपा के साथ खड़े हैं वो ऐसा करने में मदद कर सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।